अभी मैंने ठाकुर साहब से बात की, आज प्रकाश को लड़की वाले देखने आने वाले। मैंने उनसे कह दिया कि तुम और करण जरूर आओगे। पापा पर यहाँ माँ को अकेले? निश्चिंत, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज मैं उन्हें प्रशांति गार्डन्स लेके जाने वाला हूँ। कुछ समय अकेले बातचीत करने का मौका मिल जाएगा। ग्रेट, आज आबा अपने मायके जा रही है, दोस्तों से मिलने का अच्छा चांस है। इस रिक्शे वाले की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरा फोन काटे। अभी दिखाती हूँ उसे। यशोधरा, मैं प्रतिभा को गार्डन ले जाना चाहता हूँ, तो उसे तैयार कर देना। जी। मैंने कहा ना, मैं आज नहीं ऑफिस आऊंगा। सर, वो आज वर्मा साहब के केस की हियरिंग है, आपको थोड़ी देर के लिए ही आना पड़ेगा, वरना नेक्स्ट हियरिंग तक उनकी बेल नहीं हो पाएगी। सर ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, तुम पेपर तैयार रखना। एक बहुत इम्पोर्टेंट केस आ गया है, मुझे एक दो घंटे लग जाएंगे, तब तक तुम प्रतिभा को तैयार कर देना। जी। हाँ कनिका, बोलो। भैया, आज घर में कोई गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अपनी फ्रेंड के घर ऑटो में चले गई, और वहाँ से आते हुए मेरे ऑटो में कुछ लोग आ गए और मेरा बैग छीन के ले गए। कहाँ हो तुम अभी? बोलो, मैं आता हूँ। नहीं भैया, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं घर पैदल ही चलकर आ गई हूँ। तुमने उस ऑटो का नंबर नोटिस किया? हाँ भैया, किया था ना, बताऊँ? बोलो। आधा काम तो तुमने आसान कर दिया है मेरा, अब देखो मैं तुम्हारा काम कैसे करती हूँ। प्रतिभा, क्या कर रही है? वो बना रही हूँ पूल। चल ना, छुपा छुपी खेलते हैं। खेलेगी ना? हाँ खेलेंगे। ठीक है, पता है शैली, मेरे पास एक जगह है जिसमें अगर छुप जाना तो पूरा दिन कोई ढूंढेगा तो मिलता ही नहीं है। अच्छा? हाँ, और फिर जीत जाते हैं, मालूम है, अलमारी में। चल। आपको हमारी बेटी पसंद आ गई, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है ठाकुर साहब। हम तो चाहते हैं आज ही शगुन की रस्म हो जाए। ये प्रकाश यहाँ रहता है क्या? खैर, अरे तुमने जो ऑटो रिक्शा का नंबर दिया था ना, मैंने उसके मालिक से पता लगाया। हाँ, उसने बताया कि कोई प्रकाश नाम का लड़का वो ऑटो रिक्शा चलाता है और वो यहीं रहता है कहीं। दीदी, दीदी ये देखो क्या है, हमारे घर में रिक्शा वाले के कपड़े। प्रकाश, तुम रिक्शा चलाते हो? बता, ये कपड़े तुम्हारे हैं? बोलो ना। ये सब क्या हो रहा है ठाकुर साहब? आपने तो कहा था कि आपका बेटा बहुत बड़ी कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी करता है। प्रकाश भैया, बता क्यों नहीं देते आप कहाँ काम करते हैं? आभा, मामी जो कह रही है वो बिल्कुल सच है। देखा, कौन करेगा ऐसे लड़के से अपनी बेटी की शादी। चलो जी। सुनिए यार, कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। प्रकाश भैया तो सुबह से यहीं पे है हमारे साथ। ये कनिका का केस मैं वापस लेता हूँ, सब कैंसिल। मैं समझ सकता हूँ, चलो मैं निकलता हूँ। थैंक यू। मैं यहाँ हूँ। अब इल्जाम आभा पर आएगा कि वो अलमारी खुली छोड़ गई और चाबी अपने साथ ले गई, ये जानते हुए भी कि अलमारी ऑटो लॉक थी। वो सब तो ठीक है मासी, लेकिन अगर माँ का दम घुट गया तो? अरे बेटा, उसकी चिंता तू मत कर, की होल है ना, हमें तो बस ये साबित करना है आभा बहुत लापरवाह है। दरवाजा खोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, तूने सुना क्या? नहीं तो दरवाजा खोलो।